अच्छा फूल है, दिख रहा आप लोग कितना खेल रहा है, अपने रिश्तेदार के साथ खेल रहा है हमारा संदीप भाई। ट्राइप कर लो सिंगर ओनली राइडर को गाइस, नहीं दोनों चलाएंगे। कौन सा फूल है अनिकेत ब्रो? बहुत ही तगड़ा सीन दिख रहा गाइस, बेहतरीन। ये यहाँ एक और बच्चा मिल गया, ये भी मोर को एंजॉय कर रहा है देखने में। सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MPSC राइडर ब्लॉग। तो ये रही R15 संदीप की। तो आज हम लोग जा रहे हैं छिलका लेक, जो है कि अपना UP शक्तिनगर से साइड है, तो उधर जा रहे हैं। देखते हैं ब्लॉग का सीन वही है भाई। आज RS में प्रॉब्लम फिर चालू है, अभी बनवाए थे बट अभी थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा उस RS को। ठीक है चलते हैं, संदीप भाई पीछे बैठा, अनिकेत भी अपना घर पे विनगर, और चलेंगे। संदीप भाई की कल यार गाड़ी गिर एक्सीडेंट हो गया था यार हमारे इधर, इसके पास गाइस ब्लोरो लेक मार दिया यार। बट कोई नहीं चलते हैं, अब मीटर को बंद करते हैं, निकलते हैं। पकड़ के बैठो ना भाई, अब थोड़ा खींचते हैं क्योंकि भाई गाइस टाइम बहुत कम है। और चलते हैं बिंदनगर, और बीच का थोड़ा बहुत आप लोगों को सीन दिखाते हैं गाइस, उसके बाद सीधे मेन सीन दिखाया है, क्योंकि मैं देखता हूँ ब्लॉक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है भाई। चलते हैं गाइस, बिंदनगर आ चुके हैं। अनिकेत आ गया, हम लोग का वेट कर रहा है अपने राजू का बिंदनगर चौराहा, जो कि भाई सुबह सुबह कुछ अलग व्यू के साथ अलग मजा है भाई, कुछ यहाँ अलग है सीन दिख रहा सुबह सुबह गाइस। देखते हैं अनिकेत किधर है, इधर आसपास कॉल करते हैं, पहुँच आ तो गए हैं, देखते हैं हम लगाते हैं साइड में, फिर कॉल करते हैं उसको, अभी तक आया नहीं है। सो गाइस पहुंच चुके हैं, अनिकेत भी रहा लौंडा, तो गाड़ी तो ले लिया बट खुद आएगा तगड़ा, और मैं बैठ चुका हूँ आरुण भाई के पीछे, जो कुछ हो रहा था भाई कुछ प्रॉब्लम करने वाला है। गाइस आ चुके हैं शक्तिनगर भाई, भाई तो उड़ाने ले तो भाई कोई गाड़ी दे तो उड़ाना ही है निकेत को यार, ब्रेकर है भाई, ब्रेकर है भाई, वो उड़ाएगा बट तुम नहीं। लेजेंड प्लेयर है गाइस, देख रहा हूँ तो अलग ही हो, उड़ाने चक्कर लग रहा। देखते हैं साइड में क्या सीन है, चुके हैं कुछ इस टाइप की लोकेशन पर गाइस। मेरे मुंडी डर करने लगी यार, उधर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर देख रहा फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, ये देखो। और देखते हैं आगे चलते हैं, दिखाते हैं सीन आप लोग को, गेट से अंदर चलते हैं फिर आप लोग को मिलते हैं। हाँ सामने देख रहे हो कमल का फूल, दोस्ती में कमल का फूल चलता है, आप कुछ भी देख सकते हो दोस्ती में, चाहे तो आप मत समझ रहे हो गाइस। आप लोग को कमल का फूल है बहुत अच्छा दिख रहा भाई, सुबह सुबह का यार व्यू बहुत ही शानदार है गाइस, व्यू यहाँ का देख रहो। मेरे फ़ोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं गाइस बट देख रहो बहुत ही, ये लेक पार्क है
ये कितना ज्यादा अच्छा बेहतरीन थोड़ा दूर है, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। जैसे ये है क्या कुछ ये क्या बोलते हैं? अरे वो छठ पूजा हो जाता है ना गाइस, तो वो बना बट किसी पे राम लिखा है, जय श्री राम, किसी पे राम लिखा है, किसी पे कुछ, मतलब सब ऐसे बहुत लिखा है। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिख देना गाइस, देखते हैं क्या इतना कमेंट आता है गाइस। देख रहे सब इधर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तगड़ा बना, और सीन तो क्या ही बता दूँ गाइस। और ये दिखाता हूँ आप लोग को R15 कहाँ खड़ी है, और अनिकेत की बाइक ये देखो दिख रहा हो क्योंकि भाई चलते हैं आगे सामने देखो गाइस सीन सामने का सीन दिखा कितना अच्छा फूल है, बहुत ही बेहतरीन है गाइस, कितना अच्छा दिख रहा है सामने सूरज व्यू का है जो कि इतना अच्छा नहीं दिखेगा भाई, दिख रहा आप लोग कितना अच्छा बेहतरीन दिख रहा होगा गाइस। आप लोग सूरज देखना गाइस और कुछ मत देखना आप लोग। अरे अरे दोस्त ये लड़ाई हो गई दोस्तों की, ये अनिकेत और संदीप की लड़ाई हो गई गाइस। देखो सूरज आ गया बाहर, बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा गाइस, कितना बेहतरीन दिख रहा भाई, बहुत अच्छा जगह है। सुबह सुबह आप लोग घूमने आ सकते हैं, वॉकिंग वॉकिंग करने अच्छा लगा, सूरज निकल गया है, चलते हैं उसका दिखाते हैं आगे का सीन क्या रहता है। और ये भी इनके साथ खेल रहा है, अपने रिश्तेदार के साथ खेल रहा है हमारा संदीप भाई। बीच में पानी कौन मांग रहा पी रहा भाई, सुबह के टाइम देख रहे हैं आप कोई पानी पी रहा है बीच में, पढ़ लो भाई मतलब क्या अंदर मगर मच्छ है, मगर मच्छ है। और सूरज का तो भाई सीन देख रहे हो, सूरज क्या ही तगड़ा दिख रहा है भाई, चलते हैं आगे दिखाते रहते आप लोग को थोड़ा बहुत सीन। एंट्री गेट है ये भी छठ पूजा वाला गाइस, ये सीधे बगल में निकालेगा जो अभी हम लोग मेन गेट से अंदर आए ना उससे ना के जो बगल से रास्ता था उधर से निकाल देगा, सही है। और लोकेशन भी अच्छा खासा है, आप लाओ घूमो फिरो एकदम मौज करो, बहुत पुल बना है भाई ऊपर नीचे। पुल पे जिम कर रहे हो कहाँ कर रहे हो? नहीं गाइस हम पुल ही पे कर रहे हैं, इन लोग का ध्यान लग जाएगा बादल आ गया, हम पुल पे कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा पूरा, मैं नहीं बोल रहा क्या है। अच्छा ये अच्छा डिजाइन भी बनाया, ज़्यादा टाइम पर थोड़ा मेहनत करो आराम से, पूरा पानी इधर का हरा है गाइस, एक बार ट्राई करो। नहीं गाइस मैं नहीं डूबने वाला क्योंकि मेरे को तैरने नहीं आता भाई, इसलिए मैं नहीं जाने वाला, नहीं नहीं ये लौंडे इतने अच्छे हैं कि हमको भग जाएंगे छोड़ छाड़ के, तो वही ना बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा ही नहीं गाइस, मैं नहीं जाने वाला भाई, मैं नहीं जाने वाला, चला जाऊँगा बता रहे जिंदा दफना देंगे, तो ब्लॉग किसका देखोगे आप लोग, इन लोग के चंद्र पे चले जाना मैं ना रहूँ तो आगे लाइफ में कभी भी। आईडी पासवर्ड बता देना, जब तुम लोग का चैनल नहीं है तो जाके सब्सक्राइब कर लो सिंगरौली राइडर को गाइस, सिंगरौली राइडर को जाके सब्सक्राइब कर लो, मैं अपने चैनल किसी को नहीं देने वाला, बहुत मेहनत किया हूँ चैनल पे, जाके सिंगरौली राइडर को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा फूल है, कौन सा फूल है निकेत ब्रो? रेड रेड है। अरे पता है यार मेरे घर साइड भी होता है, होता है भाई, ज्यादा बड़ा फूल नहीं है। हां भाई बहुत ही अच्छा फूल है, तुम कौन सा फूल दिखा रहे हो देखें भाई, तो नहीं कुछ लिया था, कितना तगड़ा भाई, बहुत ही तगड़ा सीन दिख रहा है गाइस, बेहतरीन गेट पे आ चुके हैं, लेक पार्क के बाहर निकलते हैं, ये दोनों लौंडो की गाड़ी, हम तो जानते नहीं थल रहे हैं यार, हमारे पास गाड़ी नहीं है अभी, बस चल रहे ऐसे ही चलते हैं, फिर आगे का सीन दिखता जैसा होता है। ये
यहाँ एक और बच्चा मिल गया, ये भी मोर को एंजॉय कर रहा है देखने में। कौन करिया दिख रहा? चलो गाइस जब चला जाए आगे। इधर आगे गाइस समुंदर टाइप का है, तो आपको दिखाते हैं उधर डायरेक्ट जाके। ठीक है गाइस चलते हैं। गाइस ये कुछ इस टाइप की लोकेशन पे आ चुके हैं और आगे बैरिकेड लगाया, आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। देखते हैं जैसा होता दिखता है, दिखाते हैं आप लोग को। बहुत अच्छा लोकेशन है गाइस, बट इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि इधर काम चल रहा है। देख रहे उधर सब टूटा चल रहा है भाई, देख रहे कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा पानी पानी। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे कब मना है जाना। और ये शायद आगे यहाँ पे डैम दिख रहा होगा, तो दिखा दूँगा मैं, दिखाता हूँ कहाँ गया ये डैम, कहाँ गया गाइस। हाँ ये डैम शायद पानी नहीं खुलता है यहाँ से। चलते हैं फ्यूल ऑफ कराता है, निकल करा ले थोड़ा, फिर चलते हम लोग फ्यूल कर। तो भाई जा चुके हैं रोड पे और अपने एमपी में आ चुके हैं, यूपी से एमपी पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं सीधे घर और दिखते हैं रास्ते में चाय पानी जो भी करेंगे दिखाएंगे आप लोगों को। गाइस चलते हैं अभी आराम से, लोकेशन अच्छा खासा रहा होगा तो आप लोग को अच्छा खासा व्यू भी आया होगा, मज़ा आया आप लोग को भाई वीडियो में। चलते हैं गाइस और दिखाते हैं फिर वो था आपको। तो गाइस बिंदनगर आ चुके हैं नौ जून बिहार चौराहे पे, इधर चाय नाश्ता जो भी होता है करते हैं, इधर साइड देखते हैं साइड में तो रहे चाय टपरी। हम लोग पिछली बार भी एक बार आए थे हम लोग यहाँ भी कि तो चाय नाश्ता बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ। चाय तो भाई बंदा बहुत ही बेहतरीन बनाता है यहाँ। चलते हैं और देखते हैं जो सीन रहता है यहाँ का, दिखाते हैं आप लोग को। चाय नाश्ता करते फिर मिलते हैं आप लोग से। चाय नाश्ता हो चुका है, निकलते हैं अब घर के साइड क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। 8 बज गया, 5 बजे के निकलते थे हम लोग शाम को, फिर राइड हो गाइस। चलते हैं, चाय नाश्ता हो चुका है, सीधे चलते हैं घर की साइड गाइस। गलत सीन, हाँ तो भी आज राइड में मज़ा आया यार गाइस। सुबह सुबह का मौसम था प्लस ना तो ज़्यादा धूप किया ना कुछ, मज़ा भी आया राइड करने में और घूम फिर के वहीं व्यू इंजॉय किए। आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना गाइस क्योंकि वहाँ रील वोल आप लोग को इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी सारी अपडेट मिल जाती है कि जैसे कि वीडियो कब आएगी, ब्लॉग कब आएगा, बहुत सी अपडेटें मिलेंगी समझ रहे हैं। तो प्लीज़ जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो आप, एमपी देसी राइडर के नाम से आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लो आप लोग। और मैं पिन कमेंट और लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। अब यूट्यूब पे 1K हो चुके हैं तो भाई अब समझ रहे हो, अब इंस्टाग्राम भी 1K कब के हो चुके थे, बस थोड़ा अब मौज काटना है तो आप लोग प्लीज़ कीजिए और मज़ा करते हैं। अब है तो भाई 1K हो चुका है तो अब इसके आगे पता ही कितना चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा किसी को। बट आप लोग सब्सक्राइब कर देना गाइस, ब्लॉग व्लॉग अच्छा लगता होगा आपको, अच्छा लगता होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों में भाइयों में। आप लोग को कंटिन्यू ब्लॉग जल्दी मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा ब्लॉग में उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आएगी, समझ रहे गाइस। रिस्पॉन्स अच्छा खासा रहा ब्लॉग पे तो भाई वीडियो तो आएगा जल्दी ब्लॉग, और आप लोग के रिस्पॉन्स के ऊपर है गाइस कि कितना आप लोग रिस्पॉन्स देते हो मेरे को ब्लॉग में। बाकी चलते हैं घर और बहुत सी बातें करनी थी आप लोगों से, बट मैं सोचता हूँ बात कर लूँ, सोचता हूँ करने के लिए मैं भूल जाता हूँ, मतलब कि कुछ बोल ही नहीं पाता गाइस। मैं आता हूँ कैंप ब्लॉग व्लॉग चालू करता हूँ बोलने के लिए रहता हूँ, फिर बोल ही नहीं पाता मैं कुछ भी क्योंकि फिर ब्लॉग बोलने लगूँगा तो फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग का भी मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग छोटा ब्लॉग बनाए आप लोग को, कि मतलब छोटा सा ब्लॉग रहे जिसमें आपको फुल इन्जॉय फुल फन मज़ा हो जाए आप लोग को मिले, समझ गाइस। हाँ तो बस यही सब थी ना, और RS का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी कराना है, वो भी हो जाएगी यह कि 10-12 तक में रिपेयर हो जाएगी, चल रही है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता क्यों जाएं और कहीं फंस जाएं तो धोखाधड़ी हो जाए भाई, इसलिए थोड़ा आराम से हम लोग सोचते हैं अभी तो।
हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे हमारे यार हैं दोस्त, देखो भाई देख रहे हो लौंडा पीछे हट के ब्लॉग कर रहा है, तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हम R66 राइडर को, हाँ ये हम R66 राइडर है, जाके सब्सक्राइब कर लो। अपना संदीप भाई है, बहुत अच्छा ब्लॉग ये भी बनाता है भाई, ब्लॉग अच्छा खासा बनाता है बंदा, बहुत मेहनत कर रहा है ब्लॉग के लिए। इनके भी 900+ सब्सक्राइबर है, उनके इनके भी जाके जल्दी जल्दी कराओ आप लोग, और सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, कमेंट करो भाई के चैनल पे भी जाके, हमें भी सपोर्ट करो। मतलब उल्मुस भाई सिंगरौली को ले जाना है कुछ लेवल पे, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे हम लोग, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर सकें अपने सिंगरौली ज़िले के लिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा था भाई, बहुत कुछ कर लेंगे, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा इस, और देखते हैं जो भी सीन रहता है आप लोग को पूरा दिखाते हैं, इन्जॉय करते हैं। हम लोग का कोई मेन मोटिव नहीं है कि आप लोग को रफ राइड करके दिखाएं, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, क्योंकि हम लोग करते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं गाइस, शूज ग्लव्स और सेफ्टी गियर्स वो लगा के करते हैं, और थोड़ा हेलमेट तो भाई कुछ हो या ना हो अपने पास, बट हेलमेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मैं नहीं बोल रहा कि हेलमेट आप ही करो, बट हेलमेट क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी करती है आपको, क्योंकि आज तक जितने बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को जितनी बार भी चोट लगा है, विदाउट हेलमेट था तो मेरे को चोट लगा है, मैं सच बता रहा था आज तक, तो 5 से 6 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका, और उसमें भी गलती सिर्फ सामने वाले की भी है, कभी मेरी भी रहती थी, बट हेलमेट रहता तो मैं हर बार बच जाता, हेलमेट ना रहने के कारण मेरा एक्सीडेंट होता था, मेरे को चोट लगता था। तो मैं इतना ही आप लोग को बोलूँगा, आप लोग हेलमेट वेलमेट वेयर किया करो, लगा के चला करो, विदाउट हेलमेट तो आप लोग राइड करो ही मत, चाहे आपको कहीं भी जाना हो, वो बात अलग है, आप लोग को द्वार पे जाना है, रोड पे जाना है, यहीं पे जाना है भाई, लेकिन बस कोई आना होगा, एक्सीडेंट होना होगा तो आपको बचा बता के नहीं होगा, समझ रहे गाइस, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल की बात ले लेते हैं गाइस, मेरे बड़े वाले भैया गए थे इसी मजनमर चौराहे पे अपना फिलअप कराने गाड़ी में, ट्रैफिक वाले देखे बिना हेलमेट के, गाड़ी खड़ी थी गाइस TVS, जो मैं पहले TVS से राइड करता था, ट्रैफिक वाले पकड़ लिए गाड़ी, चाबी ले लिए, कर दिए चालान, करें क्यों, हेलमेट का काटे हैं चालान, क्योंकि भाई के पास हेलमेट नहीं था। तो सिंगरौली ज़िला में कुछ हिस्सा सीजन है कि आपको हेलमेट के बिना पकड़ लेंगे तो आपका चालान काटना ही काटना है, शोर शानी की ज़रूरत के कारण बहुत लोग करते हैं, बट छोटी छोटी बातों पर आप शोर शानी लगाते हो तो बहुत ही गलत बात है, इसमें आपकी का हर चीज़ जाता है, वो बंदा समझता कि आप कुछ हो नहीं, फिर शोर शानी लगा रहे हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप दूसरे के दम पे हर चीज़ उछल रहे हो, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। तो मैं इतना ही बोलूँगा, और आप लोग किन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं है कि भाई हमें है ऐसा कुछ, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें और हम भी खुश रहें, हमारी YouTube फैमिली खुश रहे। तो अभी तक तो मैं अपने YouTube चैनल मतलब YouTube फैमिली के लिए कोई नाम नहीं सोचा हूँ, बहुत जल्दी नाम रख लूँगा, सोचा हूँ अपने YouTube कम्युनिटी के लिए मैं सोचू हूँ नाम, बट करूँगा जल्दी, सब्सक्राइबर हो जाए उस हिसाब से, फैमिली अपनी नहीं ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं रखूँगा नाम। ये बहुत ही नाम ये बहुत ही मेरे हार्ट से कनेक्ट है गाइस, ये मेरे दिल से कनेक्ट है ये नाम चैनल का, क्योंकि भाई जो लाइफ अपनी होती है ना, मेन लाइफ जिसको मैं मान के चलता हूँ, उस नाम को मैं लेके चलूँगा, क्योंकि भाई किसी चीज़ को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा है। और तुम्हारे भाई का समझ रहे हो क्या सीन है अभी के टाइम पर, मैं इसलिए सोचा आज कर लिया थोड़ी बहुत बात आप लोग से गाइस, आप लोग बाकी इंजॉय करो और ब्लॉग के बारे में कमेंट कर देना, देखते हैं जैसा भी सीन होता है ब्लॉग, अब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पोस्ट करें, बट जान रहे हैं कि गाइस गर्मी इतना है, कभी बारिश हो जाता है, कभी इतना परेशानी है, ब्लॉग करने में बहुत ही गाइस परेशानी पड़ती है, आसान नहीं है मोटो ब्लॉगिंग, आप लोगों को लगता है कि गाइस मोटो ब्लॉगिंग बहुत ही आसान है, बट ऐसा नहीं है, जो हम लोग करते हैं बहुत ही रिस्की काम है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ ना करें। बहुत लोग मेरे को देख के भाई मेरे पास आते हैं, मेरे घर के सामने से इतने तेज निकलते हैं ना गाइस, क्या ही बता दूँ मैं,
भाई बहुत हाई कर राइड करते हैं। तो भाई ये चीज़ आप दिखाने के चक्कर में कभी कुछ हो जाएगा आपका तो क्या होगा, आपको आपके घर वाले आपकी फैमिली आपका वेट करती है। मैं सुबह 5 बजे लिखना हूँ, अभी 8 बज रहे हैं, हमारी भी घर में फैमिली है, मेरे को भी टेंशन रहता है मेरी फैमिली का कि भाई मेरी में फैमिली है, मेरा टेंशन ही करती है। बट हमारे पास कुछ दूसरा कंटेंट नहीं है, बस इसलिए करते हैं, हमें थोड़ा लगता यही कि मैं ये सच कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरी 9वीं तक है, 9वीं के बाद फिर भाई अब उम्र के हिसाब से समझता हूँ क्या क्या चलता है स्कूल में, जिसे मैं पढ़ाई छोड़ दिया था। हाँ थोड़ी बहुत स्कूल में प्रॉब्लम भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था गाइस। बट मैं बोलूँगा आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, बहुत ही अच्छा आगे लाइफ में बढ़ो और लिखो कुछ बनो। चलते हैं और बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी आ चुके हैं बिलौजी, देख लो बात करते करते हम लोग बिलौजी आ गए। हम लोग बात कहाँ से कर रहे हैं गाइस, बैठा ने विनगर से हमने बात की, विनगर से बात की, मैं इतना लंबा बात करना था आप लोग से इसलिए मैं ब्लॉग में करने पाते आज तक बाइक चला रहा टाइम, देख रहे हो 50-60 रुपये भगाए नहीं गाइस मैंने। हाँ तो आप लोग समझ गया गाइस, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या बोलते हैं ब्लॉग को एंडा कर देते हैं क्योंकि आज का हमारा घर इधर आसपास है, संदीप भाई अपने घर जाकर प्लीज़ संदीप भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सामने देख रहे हो नाम दिख रहा होगा आप लोग को यूट्यूब चैनल का MR66 राइडर के नाम से चैनल है भाई का, जाकर सब्सक्राइब करो मन के करा दो क्योंकि मेरा हो चुका था भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारे साथियों का हो जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बी राइडर बी से गाइस, तो चलते हैं किसी नया ब्लॉग और नए टॉपिक में मिलते हैं आप लोग को। बाय बाय गाइस, सी यू।